हेलो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे सेकंड एपिसोड ऑफ जय सूर्योदय पॉडकास्ट में। हम आपको लेकर आ रहे हैं मिस्टर शमशद अहमद। इन्होंने एज अ सोलर ONM स्पेशलिस्ट 10 साल से भी ज़्यादा काम किया हुआ है, और अभी हम जानेंगे उन्हीं से उनके बारे में। सो मिस्टर अहमद, आप बताएं आपके बारे में। नमस्कार। मेरा नाम शमशाद अहमद है। मैं बेसिकली बिहार स्टेट से मेरा ताल्लुक है, और एज ए ऑपरेशनल मेंटेनेंस इंजीनियर मैनेजर अभी मैं काम कर रहा हूँ सोलर इंडिया हैदराबाद में। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था इन 2016 एज ए अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन थर्मल पावर प्लांट बीर सिंहपुर में, मध्य प्रदेश में, जो कि उसका कैपेसिटी अराउंड 1340 मेगावाट था, जिसमें कि 4 210 मेगावाट के यूनिट्स थे और 1 5 मेगावाट का यूनिट था। अराउंड 6 मंथ काम करने के बाद मैंने सोलर एनर्जी को ज्वाइन किया, सोलर सेक्टर को, इन 2016 में ही नवंबर में। और मेरा जो पहला लोकेशन था वो था लातूर, महाराष्ट्र में। अराउंड 6 7 मंथ्स काम करने के बाद, चूंकि वो एरिया मुझे उतना पसंद नहीं आया, ड्राई जोन था, इस वजह से मैंने दूसरे अपॉर्चुनिटी को सर्च किया और मुझे सोलन में उस समय वैकेंसी दिखा और मैंने सोलन को ज्वाइन किया 2017 में फेब्रुअरी, और उसके बाद से मैं कंटिन्यू अभी तक सोलन में ही हूँ। बढ़िया। और एज ए मैंने अपना कैरियर लाइक ग्राउंड लेवल से प्लांट इंजीनियर से लेकर के असिस्टेंट मैनेजर से होते हुए मैं एज ए डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ, एज ए HOD में कर रहा हूँ। वाह, दैट्स सो नाइस। सो मिस्टर शमशद, आप अभी ONM में काम करते हो हैदराबाद के फॉर्म में। सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब? आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? एक्चुअली ONM में काम करने से क्या होता है ना, मुझे डेली एक चैलेंज टाइप से मिलता है कि एक तो एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्लांट को 100% परफॉर्म कराना है, और दूसरा क्या है कि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम रहता है। मेरा प्लांट, सोलर पावर प्लांट, 12 आवर्स के लिए या फिर सन आवर्स के लिए ही काम करता है। उसमें भी क्या है, पीक आवर्स है, 9 o'clock से लेके 3 o'clock या फिर 10 o'clock, 2 o'clock, जो भी आप कंसिडर करें। तो एक तो मेरा ये चैलेंज रहता है कि इस मेरा प्लांट मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा, अगर कुछ शटडाउन आता है या ब्रेकेज आता है तो इमिडिएटली उसको रेक्टिफाई करना। तो इस तरह से एक चैलेंजिंग जॉब है, और जो कि मुझे मुझे प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना पड़ता है और सभी साइट टीम को कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ता है। तो इस तरह से एक अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी अपना कैरियर एज ए प्लांट जूनियर इंजीनियर, आप कह सकते हो जूनियर इंजीनियर, स्टार्ट किया था। और मेरे पास मैंने मतलब ग्राउंड से लेकर के स्ट्रिंग करेंट चेक करने से लेकर के और साइट टीम को किस तरह से मैनेज करना है एट साइट, और फिर हैदराबाद ऑफिस में बैठ करके, कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ करके सभी साइट को कैसे मैनेज करना, तो वो सभी एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। तो मुझे अच्छा लगता है ये जॉब करना नाइस और नाइस। मैं चाहता हूँ इसी फिर कंटिन्यू करूँ, आगे भी बहुत सारे ग्रोथ्स हैं तो चलता रहेगा। सो आपके एक एवरेज दिन एक सोलर ONM स्पेशलिस्ट का कैसा होता होगा? एवरेज दिन कैसा होता है, आप ऐसा मान लीजिए कि मुझे मॉर्निंग में ही, मतलब मॉर्निंग नहीं, एक दिन पहले से ही प्लान करना पड़ता है। जैसे अभी मैं इवनिंग में अगर यहाँ से निकलूंगा ऑफिस से, तो मुझे कल का प्लान करना पड़ता है कि कल क्या करना है और सभी साइट टीम का क्या सब असाइनमेंट है, तो उन सभी को एक बार रिमाइंड कराना था है, कल आपका ये काम है, आपका ये काम करने के लिए आपको किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मैं एक तरह से उनको रिसोर्सेस प्रोवाइड कराता हूँ, उनको टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि वो अपने काम को सही तरीके से फॉलो कर सके। और फिर काम कंप्लीट होने के बाद इवनिंग में मुझे उनसे फीडबैक लेना होता है कि आपका ये आउट ऑफ 5 एक्टिविटी था, तो क्या आपने ये 5 एक्टिविटी कंप्लीट किया या नहीं किया, कंप्लीट किया तो कैसे किया, उसको एक क्रॉस वेरिफिकेशन करना था। क्योंकि हमारा मानना ये है कि एज ए एसेट मैनेजर मैनेजमेंट और एज ए ONM मैनेजर, मुझे 100% अपना देना होगा, तभी अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पे मतलब बिलीव कर रहा है कि मैंने अपना एसेट इसको हैंड ओवर किया है,
मैं अगर उसको सही से मैनेज नहीं करूंगा तो वो कल को मुझे नहीं मिलेगा फिर अपॉर्चुनिटी। तो इसमें एक अपने तरफ से ऑनेस्टी बरतना होता है, और मैं कहना चाहूंगा जो भी इसमें काम कर रहे हैं उसको अपना 100% देना होगा। मतलब ऐसे कि नहीं बार बार से देख लिए सब कुछ सही है तो उससे काम नहीं होता, नहीं होता है। तो एक इलेक्ट्रिकल तरीके से वेरीफाई करना पड़ता है और उसको एक वैलिडेट करना पड़ता है कि हाँ मेरा जो मशीनरी है वो सही परफॉर्म कर रहा है और आगे भी सही परफॉर्म करेगा। नाइस नाइस। सो अगर इस इंडस्ट्री में वो एज अ ओएनएम स्पेशलिस्ट जिसको काम करना है तो उसे कौन से कोर्सेस किस रोड मैप के थ्रू जाना पड़ेगा? ओके, ऐसे अगर आप एज अ टेक्नीशियन स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन एक क्या है मिनिमम क्राइटेरिया है सोलर में काम करने के लिए। आपको अगर टेक्नीशियन आपने ITI से किया है इलेक्ट्रीशियन, या फिर डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में, तो आप कुछ 3 महीने या 6 महीने का कोर्स करके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, NIAC है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी हरियाणा में है, फिर स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। आप अगर O&M में पर्टिकुलरली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सब कोर्स करके आप कैरियर को शुरू कर सकते हैं। नहीं तो कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो कि फ्रेशर्स को हायर करती है, तो आपको ट्रैक करता रहना पड़ेगा, बट उसमें चांसेस बहुत कम है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है सोलर से रिलेटेड तो आपका चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा है कि अभी बहुत ही स्कोप है, मतलब स्किल्ड कैंडिडेट जो कि जिसको कि सही में एक्सपीरियंस है सोलर का मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। मिलते हैं तो बहुत सारे फ्रेशर्स मिलते हैं, इवन मैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट 3 मंथ 6 मंथ का कोर्स कर लीजिए, तो फिर आप कैरियर एक बार स्टार्ट करेंगे तो आप फिर आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएट हैं मतलब बीटेक पास हैं, तो बीटेक में भी आप अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इमिडिएटली कैरियर स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेशन है, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इवन स्किल इंडिया के तहत भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। इनफैक्ट कर्नाटका में कुछ इंस्टीट्यूट है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन भी देती है, खाना भी देती है और ट्रेनिंग भी देती है 3 मंथ्स के लिए, और स्टाइपेंड भी उसके साथ है। तो आप इन सब इंस्टीट्यूट को ट्रैक कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं, एंड आप अगर एक बार सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो फिर आप किसी भी कंपनी के या तो उसका वॉक इन इंटरव्यू होता है उसमें आप अटेंड कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन पे आप ट्रैक कर सकते हैं, और कंपनी कंपनी आपको करियर, जो भी सोलर इंडस्ट्री में कंपनीज है उनको आप ट्रैक कीजिए, उनके करियर प्रोफाइल पे जाइए, देखिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे जाना चाहते हैं तो बीटेक के बाद मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप M.Tech कर लें रिन्यूएबल एनर्जी में, पर्टिकुलरली अभी पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी ऑफर कराती है एवरी ईयर, उसका मार्च या अप्रैल में, अभी शायद आया होगा मार्च या अप्रैल में उसका निकलता है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म, आप उसको फिलअप करके 2 साल का आप कोर्स कर सकते हैं, और आपको जो कोर्स काफी स्पेशलाइज्ड और फैकल्टी होते हैं वो करवाते हैं, और आपको कोर्स के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल विजिट भी कराया जाता है, और यूनिवर्सिटी माहौल भी तो काफी अच्छा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी अभी इंस्टीट्यूट हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में आपको M.Tech कराती हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अभी जॉब में हैं, आप जॉब में हैं और सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से, तो भी आप जॉब में रहते हुए इग्नू से भी आप रिन्यूएबल एनर्जी में आप M.Tech कर सकते हैं और उसके बाद अपने करियर में स्विच कर सकते हैं। तो इस बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। जी जरूर, बढ़िया। राइट, अगर यहाँ पे कोई नया बंदा बिजनेस चालू करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, सोलर में क्या स्कोप है? बिल्कुल। सोलर में भी अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऐसा बनना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत सारे स्कोप है। इनफैक्ट मैंने अभी जो बताया कि कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं वो 2 तरीके से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। एक तो उनका मोटिव होता है कि आपको एज ए कैरियर अपना स्टार्ट करना है, लाइक अ टेक्नीशियन और इंजीनियर इन सोलर फैक्ट्री सोलर इंडस्ट्री में, तो अभी आप उनका कोर्स ले सकते हैं। बट आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं और सोलर में काम करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे। आप अगर सोलर मॉड्यूल किसी को सेल कर रहे हैं, आप वो अगर सोलर मॉड्यूल्स के बारे में पता है कि ये मेरा जो सोलर मॉड्यूल्स है इसका इतना एफिशिएंसी है, इसकी ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो आप तभी आप किसी भी क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी आपको एक एटलीस्ट
कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो आप बेटर ये है कि आप ट्रेनिंग लेकर के ही अगर आप स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। सो आपने एज अ जूनियर इंजीनियर अपना काम चालू किया, भी आप ONM स्पेशलिस्ट हो। सो जब आपने स्टार्ट किया था तब क्या सैलरी रेंज थी, और अभी आपकी क्या सैलरी रेंज, आप रेंज में? इनफेक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो अराउंड 12,000 मेरा सैलरी था, और अभी मेरा ऑलमोस्ट मतलब 12 LPA एनुअल पैकेज है। बढ़िया बढ़िया, नाइस नाइस। सो इफ यू विल सजेस्ट समवन टू कम इन दिस इंडस्ट्री, हाउ यू विल कन्विंस हिम? सी जस्ट मैं अगर उसको कन्विंस करना, पहले तो मैं उससे कन्विंस तो सेकेंडरी स्टेज है, मेरा ये मानना है कि मैं उससे पूछूंगा कि आप जो अभी काम कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं। तो मोस्ट अभी तक मैंने ऑलमोस्ट इस कंपनी में रहते हुए 200 से ज्यादा इंटरव्यू भी लिया होगा, क्योंकि वाओ। मुझे मैन पावर का हमेशा रिक्वायरमेंट पड़ता रहता है। तो मैं फ्रेंकली बताऊं आपको कि 200 कैंडिडेट्स, मोर देन 200 प्लस मैं बता रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या है ना कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड, हालांकि उनके पास स्किल होता है ना, वो बस मजबूरी में, किसी ना किसी मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, या तो उनको अपना फैमिली चलाना होता है या तो अपना उनको पर्सनल एक्सपेंसेस देखना पड़ता है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप जॉब से सेटिस्फाइड हो, आपका अगर स्किल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो क्या आप जो काम कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या नहीं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे इंजीनियर्स होकर के कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो उनका जो स्किल है वो उसमें यूटिलाइज नहीं होता है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट अपने स्किल को यूटिलाइज कर रहा है तो दैट इज वन थिंग। देन मैं उसको सजेशन देता हूँ कि आप अगर अपने कैरियर को स्विच करना चाहते हो, सपोर्ट करिए, क्योंकि सोलर में बहुत सारे रिक्वायरमेंट, आप अगर लिंक्डइन पे एक दिन में चले जाओगे, जॉब सेक्शन में आप चले जाओ, आप देखोगे कि बहुत सारा वैकेंसी है कि वो सोलर से रिलेटेड ही वैकेंसी, दूसरा सेक्शन में है ही नहीं। क्योंकि अभी हमारे इंडिया का टारगेट 2022 तक कितना था, 100 गीगावाट था, बट वो हमने पहले ही अचीव कर लिया। अब मेरा क्या है, 2030 तक मेरा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट, ठीक है, 500 गीगावाट मेरा रिन्यूएबल एनर्जी से, उसमें भी सोलर का पोर्शन है। तो डेफिनेटली आपके पास स्कोप मतलब बहुत सारा है, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। द ओनली थिंग इज आपको अपने अंदर वो स्किल डेवलप करना होगा, तभी आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। तो मैं उनको कन्विंस इसलिए करता हूँ कि पहले तो वो अगर सेटिस्फाइड है तो सही है, जो अगर बंदा सेटिस्फाइड है तो जॉब स्विच करेगा। फिर मैं उनको इनका इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि क्यों आपको सोलर में जाना चाहिए। पहला तो आप एक मतलब हर डे में आपको चैलेंज होता है और आप डिफरेंट लेवल पे काम कर सकते हो इसमें, जैसे कि एक ओएनएम टेक्नीशियन है तो साइट लेवल पे काम करेगा, एक जे एनालिस्ट है, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी बहुत सारे लोग आते हैं, अगर वो उनको महारत हासिल है अपने एनालिटिकल स्किल में, अगर वो टेबलो जानते हैं या फिर पावर बीआई जानते हैं, है ना, कुछ इस तरह से एनालिटिकल सॉफ्टवेयर पे अगर उनको कमांड है, तो वो इस फील्ड में आकर के एक व्हाइट कॉलर जॉब जैसे कर सकते हैं ना, कॉर्पोरेट में बैठ करके वो सभी प्लांट को एनालिस्ट कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, बढ़िया। जैसे फ्रीलांसर 3-4 कंपनी वो काम कर सकते हैं। बस उनका काम क्या होता है कि प्लांट के डाटा को एनालाइज करना और क्लाइंट को या फिर प्रोजेक्ट ओनर को ये बताना कि आपका प्लांट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कहाँ पे लैगिंग है, कौन कौन सा एरिया जो कि लैग कर रहा है और आपको इसमें क्या करने की। तो ये काम होता है एज ए एनालिस्ट का, परफॉर्मेंस एनालिस्ट का। तो इसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आप फील्ड पे रह के काम कर सकते हो या फिर आप कॉर्पोरेट में रह के काम कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस। सो एज वी गेट मोर एंड मोर एक्सपीरियंस, वी गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ अभी क्या है, अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज बढ़ रहा है तो उसका भी एप्लीकेशन इसमें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्या है ना टाइम है अब कॉस्ट, मतलब बहुत सारी कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। अगर पहले के समय में क्या था कि मुझे साइट पे अगर 10 लोगों को रखना है काम के लिए, अभी वो 4-5 लोगों से हो जा रहा है। अब पहले क्या था, मॉडल क्लीनिंग करना है, फॉर एन एग्जाम्पल मॉडल क्लीनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दी सोलर परफॉर्मेंस मॉडल मेंटेनेंस। तो उसमें क्या है कि पहले मैनुअल मॉडल क्लीनिंग होता था, तो दो मतलब कि
आठ या दस, बेस्ड ऑन द प्लांट कैपेसिटी। अगर 10 मेगावाट पावर प्लांट ही आप लीजिए तो मुझे 7 नंबर्स 8 नंबर्स का रिक्वायरमेंट पड़ता था अगर मैं टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ तो 2 साइकिल पर मंथ के लिए। बट अभी क्या है, अब रोबोटिक्स मॉडल क्लीनिंग आ गया, उसमें भी दो तरह का है, या तो ड्राई अप कर सकते हैं या तो फिर वेट क्लीनिंग कर सकते हैं, करेक्ट है ना। तो आप अगर ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो आप एक तरह से वाटर भी कंजर्व करते हैं, और क्या है, सिर्फ 2 मैन पावर से आप 10 मेगावाट प्लांट को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो उससे क्या है कि आपका कॉस्ट कटिंग भी हुआ और आपका इफेक्टिवनेस भी बढ़ गया। पहले आप 8 मैन पावर से 2 ही साइकिल क्लीन कर पाते थे पूरा प्लांट को, अब क्या है, अब अगर एक और रोबोट और 2 रोबोट रखते हो आप तो आराम से 5 6 साइकिल कंप्लीट कर सकते हो पूरा प्लांट का। बढ़िया बढ़िया। और दूसरा क्या है, अभी टेक्नोलॉजी का यूज है, जैसे कि आप ये देख लो अभी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी काफी फेमस है, तो सोलर प्लांट में ड्रोन टेक्नोलॉजी भी यूजेज हो रहा है हम लोग को थर्मोग्राफी करने। पहले क्या हैंडहेल्ड कैमरा से थर्मोग्राफी करते थे और उसमें लग जाता था 1 वीक 10 डेज, एक 10 मेगावाट प्लांट को अगर कमिट करना है था, और उसमें क्या था, एरर होने का चांसेस ज्यादा था। वो डिपेंड करता था जो बंदा कैमरा लेके मतलब कैप्चर कर रहा है इमेजेस को वो कितना स्किल है, अगर वो स्किल नहीं है तो कैमरा पकड़ने का तरीका, ठीक है, और कैम फोटो क्लिक करने का तरीका उस पर डिपेंड करता था, तो उसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा होते थे। तो अभी क्या है, ड्रोन से आप थर्मोग्राफी करा लो, 20 मिनट्स में पूरा 10 मेगावाट कंप्लीट हो जाता वाओ, है, और वो रिपोर्ट लेकर के तुरंत वो अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, उसके बाद एनालाइज करके दिखा देता है कि इतने मॉडल्स आपके डिफेक्टिव हैं, इतने मॉडल्स मे बी इन फ्यूचर डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे चीज ये है। थर्मोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है? थर्मोग्राफी क्या है ना कि वो टेम्परेचर, जैसे आपका एक पीवी मॉड्यूल है, ठीक है, तो उसमें आपको इंफ्रारेड रे के तरीके, इंफ्रारेड से कैमरा से आपको इमेज वो कैप्चर करता है और उस पर वो दिखाता है। जैसे सपोज करिए मैं एक मॉड्यूल्स का एग्जांपल लेता हूँ, पीवी मॉड्यूल्स का 72 सेल्स है उसमें, ठीक है, एक छोटे, आपने कभी अगर पीवी मॉड्यूल्स देखा होगा तो उसमें ब्रैकेट टाइप से दिखता है, तो एक ब्रैकेट को आपको एक सेल बोला जाता है, इस तरह से 72 सेल्स होते हैं जो 330 या 325 वाट पीक मॉड्यूल्स होते हैं। अभी क्या है, मॉड्यूल्स का कैपेसिटी भी बढ़ गया तो 144 सेल्स तक आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, हर सेल एक इंडिविजुअली वोल्टेज जनरेट करता है, तो अगर कोई एक सेल अंडर परफॉर्म कर रहा है या इंटरनली उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है, वो एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर वो रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी कंपोनेंट एक अगर रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग इंफ्रारेड कैमरा से या थर्मल इमेजर से उसको चेक करते हैं तो वो क्या दिखाता है कि अगर मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा टॉप से लेके बॉटम, अगर उसमें कहीं भी एक सेल में प्रॉब्लम होगा तो उसका टेम्परेचर हमेशा हाइयर होगा उसके नियर बाई सेल्स से। तो इस टेक्निक से पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स मेरा डिफेक्टिव है, या तो एक सिंगल सेल हॉटस्पॉट, उसको हम लोग हॉटस्पॉट कंसिडर करते हैं, ठीक है, या तो वो एक सिंगल सेल डैमेज है, या तो अगर मल्टीपल भी हो सकता है तो मल्टीपल सेल उसको डैमेज, को मल्टीपल सेल हॉटस्पॉट होते हैं। तो थर्मोग्राफी में बेसिकली हमको यही दिखाता है। थर्मोग्राफी के अलावा भी और दो तीन प्रैक्टिसेस हैं जो कि ऐसे, जो कि इंश्योर करता है मॉड्यूल मेरा हेल्दी है या नहीं, क्योंकि मॉड्यूल पावर प्लांट में, सोलर पावर प्लांट में पीवी मॉड्यूल ही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेटर, करेक्ट है ना। अगर वही सही नहीं रहेगा तो आप एसएमबी को कितना भी इफेक्टिव ले लो, इन्वर्टर को कितना भी इफेक्टिव ले लो, सही ट्रांसफार्मर को कितना भी इफेक्टिव ले लो, आपका जनरेट नहीं होने वाला, बात। ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर करना पड़ेगा कि पीवी मॉड्यूल आपका सही है, तो उसको हेल्थ चेकअप के लिए आपको एक तो थर्मोग्राफी हो गया, थर्मोग्राफी आपको एनुअली करवाना होता है, देन उसके बाद आईवी कर्व टेस्टिंग है वो आपको करवाना है। आईवी कर्व टेस्टिंग में वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है, वो ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कहीं उसमें शार्प एजेस तो नहीं आ रहा है, पीक अप्स एंड डाउन तो नहीं आ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा ईएल इमेजिंग भी करवा सकते हैं एनुअली, 100% कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1% कराने जाओगे तो वो आपका एक कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है। तो आप रेंडमली प्लांट में सेलेक्ट करके कुछ मॉडल्स को, 10% मॉडल को सेलेक्ट करके आप उसको ईएल इमेजिंग करवा सकते हो ऑन साइट,
अभी क्या है, बहुत सारी कंपनी आपको साइट लेवल पे ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। वो लैब पैकिल होता है, वो साइट पे जाती है, आपको मॉड्यूल्स कहीं बाहर भेजने की जरूरत भी नहीं। साइट पे ही आप मॉड्यूल को डिसमेंटल करो, उस व्हीकल में लेके जाओ, आपको टेस्ट करके वो रिपोर्ट ऑन टाइम पे आपको, मतलब ऑन साइट रिपोर्ट आ जाता है। आप उसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से या फिर उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से आप एक्शन ले सकते। सो हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि सर ने अभी अभी दो वर्क अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हमें बताई है। अगर आप ड्रोन ऑपरेटर हो तो आप थर्मोग्राफी कर सकते हो सोलर पैनल्स की, एग्जैक्टली एग्जैक्टली और आप ईएल टेस्टिंग एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बन के उसका ईएल टेस्टिंग कर सकते हो उसके साइट के पैनल। एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट। अभी जैसे क्या है, अभी मैं तीन चार कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि सेंसोक हो गया, लेस्को हो गया, फिर यूएल हो गया। ये सब ब्रांड कंपनी है इंडिया में जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, आईवी कर्व पे, ईएल इमेजिंग पे, या फिर ड्रोन थर्मोग्राफी पे। तो आप बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, या फिर अभी जो मेरे नॉलेज में वो बैंगलोर में इंस्टीट्यूट जो कि ड्रोन पायलट का ट्रेनिंग देती है, उसमें आप कोर्सेज करके 6 मंथ या 3 मंथ्स बेस्ड ऑन दी उसका जो भी होगा क्राइटेरिया, आप उसमें 10th पास या 12th पास के 12th के बाद भी आप उसमें एडमिशन लेकर के एज ए ड्रोन पायलट आप सर्टिफाई हो सकते हो, और उसके बाद किसी भी कंपनी में आप इस तरह से काम कर सकते हो ड्रोन पायलट। बढ़िया बढ़िया। सो कमिंग बैक टू एआई, आपके जनरल वर्कफ्लो में आप एआई का कितना इस्तेमाल करते हो, और ऐसे स्पेसिफिक क्या सॉफ्टवेयर्स है जो एक ओएनएम स्पेशलिस्ट यूज करता है? देखिए, सॉफ्टवेयर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे पावर पावर बी आई, ठीक है, एक्सेल आपको अगर आता है, आप अगर एनालिस्ट काम करना चाहते हैं सोलर इंडस्ट्री में, तो आपको बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको एक्सेल आना चाहिए। और एक्सेल में भी आपको अगर एडवांस एक्सेल आता है तो वो बोलते हैं ना उसको, सोने पे सुहागा, वो हो जाता है। अगर आपको एडवांस एक्सेल भी आता है, उसके बाद पावर बी आई भी आता है, तो पावर बी आई हमारे वर्क को इजी कर देता है। जैसे कि क्या है, एक्सेल में अगर हम काम करते हैं, उसमें कोई किसी काम को करने में मुझे 1 आवर लग रहा है, तो पावर बी आई में मुझे वो 15 to 20 मिनट्स में काम हो जाता है, और उसका जो डैशबोर्ड होता है वो काफी इफेक्टिव भी होता है। तो आप उसमें ये काम कर सकते हैं। फिर आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्री एक्सेस देती है। आप उसमें अपने डेटा को डाल करके जैसे भी चाहो, ग्राफ अगर ड्रॉ कराना चाहते हो, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, तो वो सब आप यूज कर सकते हो। सो ओएनएम में मोस्टली डेटा एनालिसिस का काम होता है, ऐसा आप कह रहे हो? मोस्टली नहीं, अगर वही एक सेगमेंट है हाँ। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, जैसे एक वो पार्ट है, क्योंकि आप देखियो आप साइट पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप दिखाओगे कैसे कि आप अच्छा काम कर रहे हो? तो उसको दिखाने के लिए एनालिस्ट होता है, साइट के डेटा को लेता है, वो एनालाइज करता है डेटा को, और उसके बाद उसका विजुअलाइजेशन करता है। तो विजुअलाइजेशन में दिखता है कि हमारा प्लांट जो है सही तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो साइट पे टीम डेप्लॉय है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो जस्ट एज ए पार्ट हो गया उसका, सपोर्टिंग टीम कह सकते हो एनालिस्ट। जैसे मेरा प्लांट है एक जो कि 2012 में कमीशन हुआ था हैदराबाद एरिया में, दैट वाज दी फर्स्ट पावर प्लांट उस समय जो हम लोगों ने कमीशन किया था हैदराबाद रीजन में। और उसका यूनिट वो हम लोग गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं, उसका यूनिट था मतलब अभी है, भी है ही, 18 रुपी पर यूनिट, 18 रुपी पर यूनिट। क्योंकि उस समय क्या था कि सभी चीज का कॉस्ट ज्यादा था, मॉड्यूल पर का प्राइस ज्यादा था, इन्वर्टर का प्राइस ज्यादा था। अभी जो आप कंपेयर करोगे, अभी मार्केट में 2 रुपी 3 रुपी यूनिट है सोलर का, बराबर। ठीक है, तो कहाँ 18 रुपी, कहाँ तो 3 रुपी। बट कॉस्ट तो है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट। एक पावर प्लांट को कमीशन करने के लिए आपको 1 मेगावाट का अगर प्लांट है तो कम से कम 4 to 5 करोड़ के आसपास पड़ जाता है। अगर 10 मेगावाट प्लांट आप कमीशन करो तो ऑलमोस्ट 60 करोड़ या 50 करोड़ के आसपास, मैं लमसम आइडिया बता रहा हूँ, तो उतना आपके पास होना चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो चाहोगे कि आप का पे बैक भी अच्छा रहे, तो 6 to 7 ईयर्स पे बैक माना जाता है। तो इसीलिए हर 1 मिनट सोलर का मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो 1 मिनट मेरा वेस्टेज नहीं हो, इसलिए एनालिस्ट का भी जरूरत पड़ता है। सही बात है। वो बताते रहते हैं कि हाँ मेरा प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैं
मंथ एंड में जाके मुझे पता चले, ओ भाई गॉड, हमने इस मंथ में जो मेरा जो जो टोटल जनरेशन वो तो निगेटिव में चला गया, हमको अचीव करना चाहिए था 1000 यूनिट, मैंने अचीव किया 8000 यूनिट। तो आप मंथ एंड में जब चले गए तो अब आप फिर से बैक नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज है, इसीलिए आपको पैरेलली मतलब एवरी डे एवरी मिनट आपको अलर्ट रहना पड़ता है इसमें, अगर आप काम कर। सो इंडिया में रूफटॉप सोलर की क्या अपॉर्चुनिटीज है, और आपको क्या लगता है ये मार्केट अच्छा है इंडिया में? बिल्कुल, इंडिया में सोलर रूफटॉप अपॉर्चुनिटी का बहुत ही मतलब सोलर रूफटॉप का बहुत अपॉर्चुनिटी। अभी रिसेंटली आप अगर देखोगे तो पीएम योजना जो निकला है अर्गर सोलर, है ना, तो उसपे गवर्नमेंट का टारगेट है ऑलमोस्ट 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलर से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना। करेक्ट. तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या फिर जो थोड़ा मोड़ा वर्क लेकर के भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे 5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो डेफिनेटली छोटे छोटे लोग भी इसमें आकर के अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और आपको अगर इलेक्ट्रिकल में नॉलेज है और आपको पता है कि हाँ कनेक्शन कैसे देना है सोलर में, तो आप एज ए स्टार्टर भी काम कर सकते हैं, इसमें टेंडर ले सकते हैं। जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी टेंडर लेती है, सपोज करे एक विलेज का टेंडर लेती है, तो वो खुद से तो करेगी नहीं, वो किसी छोटे छोटे लोगों को ही देगी, तो जरूर. उससे भी आप कांटेक्ट करके काम कर सकते हैं। सो अब रूफटॉप सोलर फील्ड में भी एज अ ओएनएम स्पेशलिस्ट काम करके हर एक घर के ओएनएम. बिल्कुल, अभी जैसे क्या है कि हमारा हैदराबाद एरिया में ही ऑलमोस्ट 8 मेगावाट से ऊपर है, एक एक सिंगल लोकेशन पे 2 मेगावाट है, तो वो भी हम लोग मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और मतलब कि हमारे ऑफिस में 3 मैन पावर है जो कि टाइम टू टाइम सभी क्लाइंट्स को अटेंड करते हैं, क्वार्टरली विजिट होता है, और एज एंड वेन लाइक जब भी जरूरी पड़ता है, इमरजेंसी ब्रेकडाउन हो गया तो वहाँ पे मेरी टीम विजिट करके इशू को रिजोल्व करती है और फिर सब कुछ अट्रैक्ट करके वापस आ जाती है। बढ़िया बढ़िया. सो आपने मुझे हमें बताया था कि आप ओवरसीज भी जाकर प्लांट्स मैनेज कर चुके हो, इंडिया में भी प्लांट मैनेज कर चुके हो. राइट, मैंने अपना करियर जब सोलन में स्टार्ट किया तो मुझे डिप्लॉय किया गया था श्रीलंका, तो उस समय हम लोगों ने श्रीलंका में उस समय का फर्स्ट सोलर पावर प्लांट बनाया था, ग्राउंड बेस्ड सोलर पावर प्लांट जो कि लार्ज स्केल पे ऑलमोस्ट 12.48 मेगावाट पीक कैपेसिटी है उस प्लांट का। तो वहां पे मैं ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स रहा और बहुत सारे एक्सपोजर्स मिले वहां पे कैसे काम करना है। वहाँ के टीम भी बहुत कोऑपरेटिव थी, तो एक तो श्रीलंका हो गया, वहाँ पे ऑलमोस्ट 48,000 मॉड्यूल्स था साइट पे, 260 वॉट, 265 वॉट पीक, 255 वॉट पीक। और अभी रिसेंटली रिसेंटली नहीं मतलब मैं 3-4 विजिट्स तो आ ही चुका हूँ, हम लोग सोमालिया में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी सोलर पावर प्लांट कमीशन कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी लगाया है अपन ने, क्योंकि वहां पे क्या है नेशनल ग्रिड का टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां पे जो सोलर होता है वो सोलर प्लस डीसी हाइब्रिड सिस्टम वर्क करता है। तो मैं मतलब एज ए रेगुलर इंटरवल पे 6 मंथ पे 5 मंथ पे मैं वहां जाता रहता हूँ, और टाइम टू टाइम जाकर के टीम को जो बेसिक ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग देना होता है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर कराना पड़ता है, तो ये सब काम। बढ़िया. सो अब हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि देखो, ये सोलर इंडस्ट्री में ओवरसीज भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और ये सोलर बिल्कुल इंडस्ट्री बहुत बिल्कुल, ग्रोइंग है. ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी रिन्यूएबल सेक्टर ही एक ऐसा है जो कि ग्रो पे है, ठीक है, जो कि इंडिया में क्या है जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है एक वो एक लिमिटेड सोर्स है, कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आप अगर देखोगे 1 ईयर बैक जो जस्ट कोरोना के बाद कोविड सेकेंड वेव जो आया था उसके बाद अगर जाओगे तो आप न्यूज में देखोगे कि कहीं बहुत सारे पावर प्लांट बंद होने के कगार पे चले आए थे, थर्मल पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास अवेलेबल कोल नहीं था प्लांट में, क्योंकि कोविड की वजह से कोल का जो माइनिंग है वो स्लो डाउन हो गया था, तो प्लांट के पास जो रिजर्व कोल होता है वो नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट बंद होने के कगार पे था। और ये कहा जा रहा था कि हमारे पास जो भी कोल है
वो अगर इसी रेट से अगर हम लोग कंज्यूम कर दे रहे तो मतलब अराउंड 30-40 ईयर्स के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमको स्विच करना ही पड़ेगा, कोई और चांस चारा ही नहीं है, रिन्यूएबल में ही स्विच करना है। दूसरा क्या है कि एक तरह से ये आसान हो जाता है, जब जैसे कि आप अगर कंपेयर करोगे मेंटेनेंस, एक थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मशीनरीज होती है, मल्टी लेवल पे काम करना पड़ता है, बट सोलर में वैसा ही नहीं है, ज्यादा कुछ मूविंग पार्ट है नहीं, मेंटेनेंस उतना नहीं होता है, तो एक तरह से ये भी है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ही ग्रो पे है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सही बात है, सही बात। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ONM स्पेशलिस्ट है वो एज अ सेफ्टी मेजर क्या क्या चीजें ध्यान में रखता है? देखिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में सेफ्टी इज वन ऑफ द पैरामाउंट है, आप इसको नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। अगर आपने नेग्लेक्ट किया तो कुछ ना कुछ अनवांटेड जो है आपको फैटलिटी देखने को जरूर मिलेगा। आप अगर किसी मेंटेनेंस एक्टिविटी को शुरू करने जा रहे हो तो सबसे जो पहला प्रोसीजर है आपको टूल बॉक्स स्टॉक करना पड़ता है, मतलब आप अपनी टीम को एक तरह से अवेयर कराते हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और उस काम को करने के लिए आपके पास कौन कौन सा टूल्स होना चाहिए। पहली बात, ऐसा नहीं हो कि आप ऑफिस रूम से निकल करके फील्ड में पहुंच गए और जाके वहां पता चला जा मल्टीमीटर तो मैं लाया ही नहीं, तो उस तरह का मतलब उससे क्या होता है टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, तो उस तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए एक 10-15 मिनट्स का टूल बॉक्स स्टॉक किया जाता है, जिसमें कि टीम को बताया जाता है कि मेरा ये काम है, अभी इसमें ये सब टूल्स लगेगा, उन लिस्ट को हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, और उनको ये भी बताया जाता है कि आपको काम कैसे करना है, पहले आपको क्या आइसोलेट करना है, आइसोलेट करने का प्रोसीजर क्या है, काम करने के दौरान क्या सब सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको रखना है, और जब काम कंप्लीट हो जाए तो फिर उसको क्लोजिंग कैसे करना है, तो ये सब सारा डिस्कस किया जाता है। सेकेंड भी क्या है कि आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है, जो भी रिस्पेक्टेड ऑथोरिटी है साइट लेवल पे या फिर आपको ऑफिस लेवल पे, सभी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सेटअप होता है, तो आपको वर्क परमिट इशू कराना पड़ता है, उसमें आपको जो भी मेजर्स है उसे दिखाने पड़ते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना पड़ता है, जो आप कम काम करने जा रहे हो वो कितना सेफ है, उसमें क्या सब रिस्क है, तो JSA आपको लेना पड़ता है, तो ये सारी चीजों को मेंटेन करते हुए ही आपको काम करने, फिर किसी चीज को आप अगर इलेक्ट्रिक लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आइसोलेट करना है तो आपको वहां पे लोटो अप्लाई करना है, लॉकआउट टैग आउट लोटो टैग आपको अप्लाई करना पड़ता है, और काम करने के बाद फिर सभी चीज को जो आपको जो SOP दिया गया है सेफ्टी ऑफिसर्स के थ्रू, वो सभी SOP को फॉलो करते हुए आपको काम कंप्लीट करके क्लोज करना है एक्टिविटी को, तो उसको भी पर्टिकुलर हर एक इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर सेफ्टी ऑफिसर्स होता है, जिनका काम ही होता है कि ONM टीम को ट्रेनिंग देना टाइम टू टाइम, उनको मॉक ड्रिल कराना इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, और वो जो काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना कि उनका काम सेफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर अनसेफ एक्टिविटी अनसेफ कंडीशन कोई भी साइट पे होता है तो उसको रिकॉर्ड करना। अगर मेरा ये मानना है कि सौरभ जी की अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर पा रहे तो आप उसको मैनेज भी नहीं कर सकते हैं, सही बात ठीक है। है, इसीलिए आपको हर चीज को मेजर करना पड़ेगा। अगर हमारे टीम जो है कि साइट पे काम कर रहा है, अगर अनसेफ कंडीशन में वो काम कर रहा है या फिर काम कर रहा है तो अनसेफ एक में काम कर रहा है, सेफली काम नहीं कर रहा है, तो ये सभी काउंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी कभी क्या होता है, उनको उनको तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, ठीक है, जो टीम काम कर रही है कि आपको आपने अगर आप अगर रिकॉर्ड करते हो अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन तो आपको एटलीस्ट रिकॉर्ड में डालना है, ऐसा नहीं होगा रिकॉर्ड में डालने से आपको पेनाल्टी लगेगा, नहीं, तो अनटिल अनलेस रिकॉर्डेड नहीं होगा तो आप अगर मुझे मालूम ही नहीं आएगा कि मेरा मिस्टेक क्या है तो मैं इसको सुधार क्या करूंगा, ये बात है। ठीक है, तो उसी चीज को मॉनिटर करने के लिए हम लोग सेफ्टी ऑफिसर्स भी रखते हैं अपने कंपनी में, जिनका काम होता है सभी को ट्रेनिंग देना और ये मॉनिटर करना कि जो काम हो रहा है वो सेफली तरीके से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एज ए 10 ईयर्स कैरियर इन ONM मैंने बहुत सारे मतलब न्यूज अपने प्लांट में अभी तक तो फॉर्चुनेट है कि मेरा मानना है कि आप काम 10 मिनट डिले करो बट सेव करो, सही बात। ऐसे नहीं कि
प्रेशर में आकर के आप बस थोड़ा सा बाईपास कर दो और चीजों को काम करने लग जाओ। तो उससे क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी मेजर जो एक्सीडेंट होता है ना, वो छोटे छोटे गलतियों का एक संग्रह होता है। छोटे छोटे चीजों को आप निकले करते हैं तो वन डे में जाकर के वो क्या होता है, एक जगह से बड़ा एक्सप्लोड कर जाता है। सही बात तो उस सिचुएशंस को मैं मतलब अभी तक इस तरह का कोई फैटलिटी मेरे प्लांट में या मेरे अंडर में तो नहीं देखने को मिला, बट मैंने चूंकि मैं इस सेक्टर में हूँ तो मुझे बहुत सारे न्यूज मिले हैं ऐसा कि टीम काम करने गई और कुछ गैप हुआ कम्युनिकेशन में, उनको एक फीडर ऑफ करना था, उन्होंने दूसरा फीडर ऑफ कर दिया, उससे पता चला फिर जब बंदा काम करने गया तो वहां पे फैटलिटी हुआ। ये सेफ्टी जो मेजर्स है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप चाहो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो एज अ सेफ्टी ऑफिसर बन के, बिकॉज सेफ्टी करेक्ट, अमाउंटेड सेफ्टी नहीं ऑफिसर बन सकते हो, सेफ्टी सुपरवाइजर बन सकते हो। हर होती। स्टेट में भी अपना एक एक बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड, आपको अगर आप सेफ्टी में काम करना चाहते हो तो मेरा ये मानना है कि आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर सकते हो, या फिर उसमें एडवांस डिप्लोमा भी आता है वो आप कर सकते हो। तो उसको करने के बाद आप एज ए फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आप इस सेक्टर में करके फिर से अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। जरूर जरूर। सो अभी हम जानेंगे कि इन 10 साल के टेन्योर में सर आपने क्या गलतियां की थी और वो बाकी लोग कैसे अवॉइड करें। बिल्कुल, जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं था ये सेफ्टी वगैरह से। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, वो मेरी ही गलती थी। मुझे अपने इमीडिएट इंचार्ज से पूछना चाहिए था कि काम अगर मैं करने जा रहा तो क्या सब मुझे प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। तो कुछ समय मतलब जैसे कि एक तो चीजों को भूल जाना, जैसे मैंने बताया कि लोटो, हाँ पहले क्या था ना कि लोटो वगैरह प्रोसेसर हम लोग मतलब मेरे जैसे शुरुआती करियर में उतना इफेक्टिव नहीं था, तो ऐसे कुछ टूल्स लेकर के चले गए फील्ड पे, वहां जाके पता चला कि ये टूल्स मेरे लिए नहीं है, मुझे और दूसरा टूल्स लेके आना पड़ेगा। तो वो सब गलतियों को मैंने देखा, उसकी वजह से मुझे टाइम ज्यादा लगता था एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना, फिर टूल्स लेकर के आना। तो अगर 5 मिनट का काम है तो इस तरह से वो आने जाने में 15 से 20 मिनट खत्म हो जाता था। तो एक तो वो चीज़ है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा कि काम में मैं जो एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, सपोज करें कि स्ट्रिंग का माइनर वॉक्स वन ऑफ द कम मतलब पार्ट है सोलर पावर प्लांट का, तो आप अगर उसमें मेंटेनेंस करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सा टूल्स लगेगा। अगर स्पैनर चाहिए तो मेरे पास स्पैनर का सेट होना चाहिए, और अगर स्क्रू ड्राइवर तो स्क्रू ड्राइवर का सेट होना चाहिए। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर लेके जा रहे हैं तो उसको पहले चेक कर लेना है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, ताकि पता चला बाद में लेके गया वहां पता चला कि बैटरी डेड है इसका। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा आप इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल शॉक इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन सोलर पावर प्लांट, चूंकि आप कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी से घिरे होते हो तो आपको सेफ्टी, जैसे सेफ्टी शूज है या फिर ग्लव्स यूज करना है, तो आपको ग्लव्स यूज करना ही है। ऐसा नहीं कि मैं 3 ईयर से काम कर रहा हूँ अभी तक मुझे एक बार भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगा है तो मुझे मालूम है कैसे काम करना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी मतलब कि एक्सीडेंट को दावत देता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है एक तरह से, आपको सेफली काम करना है चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। सही बात है। अभी मिस्टर शमशाद अहमद अपने सोलर ONM की जर्नी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अभी तो कंटिन्यू मैं इसी कंपनी में है हूँ, और चूंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता रहा है, मैनेजमेंट से भी काफी सपोर्ट है, तो अभी जस्ट हायर लेवल पे जाना है। बढ़िया बढ़िया। जी हाँ सौरभ जी, ऑडियंस वन फाइनल एडवाइस मेरे तरफ से यही रहेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको एक्सपर्टीज लाना है। ऐसा नहीं कि आप 5 एक्टिविटी को डील कर रहे हो और सभी में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, उसमें आपको पूरा मास्टर हासिल करना है और तभी आप जाकर के सक्सेस हो सकते हो, बढ़िया सक्सेसफुल हो सकते हो। बढ़िया। सो कूडोस टू मिस्टर शमशद अहमद, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट की और अभी सर भी इस करियर में आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जैसे लोग भी ये करियर को ज्वाइन करें, इसके लिए हम ऐसे कुछ एपिसोड्स लेके आएंगे मिस्टर शमशद अहमद जैसे कुछ स्मार्ट ब्रेन्स और लाएंगे इंडस्ट्री से। सो नाउ वी आर क्लोजिंग दिस एपिसोड। मिस्टर शमशद अहमद जी, जय सूर्योदय। जय सूर्य, थैंक यू।